शाहरुख खान के बेटे आर्यन अरेस्ट, हॉलीवुड कोर्ट में एक दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार को उन्हें हॉलीवुड कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आर्यन और उनके साथ अरेस्ट किए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को एक दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट में सरकारी वकील अद्वैत सेतना ने कहा कि एनसीबी की तरफ से हम आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन धमीचा की रिमांड मांगते हैं। आरोपियों के पास से व्हाट्सएप चैट मिले हैं जिनकी जांच जारी है। इसके अलावा आरोपियों से प्रतिबंधित ड्रग्स भी मिली है, उसके सोर्स और लिंक खंगालने जरूरी है। सेतना ने कहा कि व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि आरोपी ड्रग कंजप्शन और ड्रग्स नेक्सस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद टेस्ट बनाम अनिल शर्मा केस का हवाला देते हुए सेतना ने जमानती धारा में आर्यन की कस्टडी की मांग की है। इससे पहले आर्यन से एनसीबी ऑफिस में करीब 4 घंटे पूछताछ की गई। यहां से आर्यन समेत तीनों आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया। टीम उन्हें हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट से अंदर ले गई। मेडिकल टेस्ट के बाद एनसीबी की टीम तीनों को वापस ऑफिस ले गई।